तो दोस्तों स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और दोस्तों मैं आज आया हूँ नेपाल, जो कि भारत का पड़ोसी देश है और बहुत ही सुंदर जगह है घूमने लायक। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहिए, और चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक एक यहाँ के जो व्यू पॉइंट है उसको मैं बताऊँगा, प्लीज़ बने रहे और देखिए नेपाल का शेयर कीजिए। दोस्तों तो हम नेपाल साउथ बिहार एक्सप्रेस से पहुँचे पटना, पटना से गांधीनगर, और गांधीनगर से दानापुर, और दानापुर से होते हुए हम पहुँचे रक्सौल। फिर वहाँ हम नेपाल पहुँच के इंडियन करेंसी तो वहाँ चलता नहीं है, तो हम नेपाली करेंसी लिए वहाँ कन्वर्ट कराए। और बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों, क्योंकि वहाँ हमारी जो भाषा है, लैंग्वेज है हिंदी, वहाँ बोली जाती है, समझी जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा नेपाल देश। तो बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों, बने रहे आप वीडियो पे और देखिए। तो दोस्तों स्वागत है मेरी इस नए ब्लॉग में नेपाल टूर का, तो बने रहे दोस्तों। और यहाँ से शुरू होता है हमारा नेपाल का टूर, नेपाल की सैर। तो दोस्तों हम दानापुर से रक्सौल के लिए बैठ चुके हैं ट्रेन पे, और ये देखिए नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और हम पहुँच गए हैं रक्सौल, तो बने रहे ब्लॉग पर दोस्तों और दिखाते हैं। हिंदू दादा जो उत्तम ब्याज।